पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने नक्सली संगठन PLFI के एरिया कमांडर सुमन सिंह उर्फ गंजू सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने संगठन के अन्य 7 सदस्यों को भी दबोच लिया है। प्रतिबंधित संगठन PLFI के विरुद्ध जिला बल एवं CRPF 60 बटालियन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान PLFI के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंजू तथा 7 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी सोनमा तथा टेबो थाना क्षेत्र से हुई है, जिसके निशानदेही पर हथियार समेत नक्सली पर्चा भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से एक दोनाली बंदूक, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल, दैनिक की के सामान बरामद हुए हैं। बता दें कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि सुनुआ थाना क्षेत्र के पंचवा डैम के आसपास के जंगलों में PLFI संगठन की गतिविधि देखी गई है, जिसके आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने इनको दबोच लिया है। एक सूचना मिली थी कि PLFI के एरिया कमांडर तथा उसके सक्रिय सदस्य टेबो थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं, सुनुआ थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई तथा इनके पास से ये सामानों की बरामदगी की गई है। एक दूसरी टीम के द्वारा हरी सिंह सांडी कुर्ती और मोदी दस्ता के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें जो एरिया कमांडर हैं सुमन सिंह गंजू, उनका पूर्व में 13 कांडों में वांछित है। उसी तरह जो लखन बोगरा है वो 3 कांडों में पूर्व से वांछित है।